इस सेमीफाइनल मैच चलता हुआ मैदान के बीचों बीच तैयार है जेवा मंच क्लब भारतीय बनाम कुर्बी लोग दोनों सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। फिलहाल दोनों टीमें काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला खेलते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं और यहां से जो भी टीम जीत दर्ज करती है सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और सेकंड सेमीफाइनल जो खेला जाएगा वहां से जो भी टीम में जीत दर्ज करेगी वो भी सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। चलता हुआ और इसके बाद और हमारे क्लब के बॉल बॉयज जो कि पूर्वी छोर पर आप एक आम सभा बनाए हुए हैं बॉल बॉयज कमेटी के मेंबर चिंटू बाबू कार्तिक मातो फुटबॉल के लिए हम ध्यान देंगे। चिंटू और कार्तिक बॉल बॉयज आप ध्यान देंगे उस पर और अच्छी शॉट जरूर यहाँ पे ली गई थी। हालांकि यहाँ पे गोलकीपर काफी चौका है क्लब्स में इतना से लेते हुए अब यहां से हारना पसंद नहीं करेगी कोई भी टीम है। लेकिन एक टीम को हारना निश्चित है ये विधि विधान में लिखा गया है। एक टीम जरूर हारेगी दो टीम एक साथ नहीं जीत सकते हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन इस दौर में पहुंचते हुए और ये टीम हारना बिल्कुल नहीं पसंद करेगी लेकिन क्या करें इसी कारणवश एक टीम को जरूर हारना है। फिलहाल इस बीच से पूर्वी लोग दोनों टाइम बहुत ही कम है हम फाइनल खेल में ज्यादा समय देना चाहेंगे और सब जानते हैं फाइनल खेल थोड़ा सा समय रहते ही अगर स्टार्ट होता है आगाज होता है शुरू होता है और समय रहते ही अगर खिलाड़ी ज्यादा समय खेलेंगे तो उनके टीम के लिए भी अच्छा रहता है। और खासतौर पर फाइनल खेल समय का ही माना जाता है अगर सपोर्ट करना है खिलाड़ियों को तो आप हमें सपोर्ट करें समय का सहयोग करें ताकि हम फाइनल खेल में आपको जल्द से जल्द ज्यादा समय दे सके। फिलहाल एक मौका बन सकते हैं यहाँ पे चिड़िया गेंद के साथ ड्रिबलिंग करते हुए लेकिन यहाँ पे डिफेंडर बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को कीरी करते हुए चकमा देते हुए आगे बढ़ने में जरूर कामयाबी हुए हैं। फिलहाल इस बीच समय ज्यादा लेते हुए यहाँ पे एक दुल्हन की तरह सजाते हुए अगर इस तरह का सजने सुवरने में टाइम लगाएंगे तो कोई ना कोई जरूर आपको दुनिया को ले जा सकता है। फिलहाल इस बीच दुनिया काफी गति के साथ अपने सभी खिलाड़ी को मोहिना करते हुए राजू को ढूंढना चाहते थे राजू माटो जो कि एक अच्छे स्ट्राइकर से जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं आज दुनिया के एक रीढ़ की हड्डी की खिलाड़ी है उनके टीम में। फिलहाल राजू गेंद के साथ जीरो एंगल में गेंद डालना चाहते थे क्रॉस पार को यहाँ पे इस बीच कॉर्नर किक का इशारा मिला है दुनिया में अच्छी को शायद राजू इस शॉट को जान देंगे कॉर्नर किक अच्छी किक सीधे बॉक्स में लेकिन ये तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर की हेडर के माध्यम से गेंद को निकालने में सफल हुए हैं। फिलहाल इस बीच दुनिया अभी भी खतरा हो सकता है उस खतरा को रोकने में हर शॉट का प्रयास जवाब देते हुए यहाँ पे टांगरानी एफसी फिलहाल काफी गति के साथ 10 नंबर को
ढूंढना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। लाल तुड़िया शॉट लॉक होता हुआ, इस तरह से गोलकीपर तुड़िया के पूरा काम करता हुआ। राजू काफी गति के साथ अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए, अच्छी पास राजू के द्वारा, राजू अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए जगह में जाने की कोशिश, एक मौका बन सकता है। जैसी मैंने तो नहीं है लेकिन जरूर डाले गए थे, कुछ ना कुछ जरूर कर सकते थे लेकिन यहाँ पे शॉट लेना उचित समझा उनके खिलाड़ियों ने, इस तरह से बेकार होता हुआ। फिलहाल इस पीछे बहुत ही सुंदर डिसीजन, यहाँ पे पीछे से आपने खिलाड़ियों को पुश करते हुए यानी धक्का देते हुए, इसी का नतीजा अगेंस्ट टीम को फ्री किक का लाभ मिलता हुआ। बात करें टांगरानी एफसी को, हो ना हो फ्री किक खतरे के संकेत जरूर लाता है अपने टीम के लिए, हमने देखा भी है, इसी मैदान पर देखा है बांधी बनाम भंडारी साई के बीच, हो ना हो गलती का परिणाम स्वयं भुगत सकते हैं। फिलहाल टांगरानी एफसी जर्सी नंबर 10 लंबी हेडर जरूर आई थी इस बीच, अगेंस्ट टीम का भी हेडर आता हुआ उछाल के साथ है। एक को ढूंढना चाहते थे, लिपिंग गेंद यहाँ पे गोल पोस्ट पर, इसके बाद वाली मैच के लिए तैयार होकर अगर मंच के सामने चले आएंगे। सेकंड सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा, जयमा मनसा कला वांसी बनाम पूर्वी लोग दोनों, इसके बाद वाली मैच के लिए तैयार होकर चले आएंगे। जयमा मनसा कला वांसी बनाम पूर्वी लोग दोनों चिकन फाइनल के तौर पर खेले जाएंगे। आप दोनों टीमों के बीच हम आशा करते हैं कि आप दोनों टीम को जल्द से जल्द हमारे मेडिकल जोन के सामने लेकर चले आएंगे। हेलो सेकंड सेमीफाइनल जयमा मनसा कला का बांसी बनाम कुर्मी लोग दोनों, इसके बाद आपको मैच खेलना है। लाल धोखा बन सकता है, धोखे की तलाश में तुड़िया में एफसी, हालांकि तुड़िया में एफसी ने अच्छा फुटबॉल है और देखते देखते यहाँ पे जयमा मनसा कला का पांसी का टीम मंच के सामने आते हुए, I'm going to go to the hospital.